और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह ने पदस्थापना के बाद पहली बार पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस पदाधिकारियों संघ की अहम बैठक। परसुड़ी पुलिस ने चोरी के 2 मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 मई को घटना को दिया गया था अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह ने पदस्थापना के बाद पहली बार पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जहां बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के साथ अपराध व नक्सलवाद पर विशेष चर्चा की। इस दौरान SSP, CTSP व सभी DSP मुख्य तौर पर मौजूद थे। कोरोना वायरस के दौरान पुलिस की क्या स्थिति है, इसका भी आंकलन उनके द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर क्षेत्र की वस्तु स्थिति का जायजा लें और सारी जानकारी जिले के SSP को दें। साथ ही उन्होंने अपराधियों को चेताते हुए कहा है कि अगर अपराधी आराम से रहना चाहते हैं तो सभी अपराध जगत को छोड़कर सरेंडर कर दें। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं उसे जिले के SSP व CTSP स्वयं देख रहे हैं। जो लोग भी अपराध जगत से जुड़े हैं, अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इधर जमशेदपुर के परसुड़ी पुलिस ने चोरी के 2 मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, विगत 3 मई को परसुड़ी थाना अंतर्गत कीतड़ी में इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि लॉकडाउन की वजह से चोरी की घटनाओं में काफी कमी आई है, पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में छिटपुट चोरी की घटनाएं घट रही हैं। पर पुलिस द्वारा भी इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में विगत दिनों परसुड़ी थाना अंतर्गत के कीताढ़ी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना पर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल समेत परसुड़ी निवासी विकास यादव, अर्जुन ठाकुर व गौतम महतो को गिरफ्तार किया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए परसुड़ी थाना प्रभारी अजय तिवारी ने कहा है कि 3 मई को पीड़ित व्यक्ति अमरनाथ दुबे द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी हुई थी, उसी में 3 अपराध कर्मी को पकड़ा गया है और एक और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। टोटल 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया, तीनों चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये लोग बचने के लिए कुछ किए थे? हाँ, CC कैमरा में एक अपराधी का फोटो आ गया था, तो बचने के लिए बाल वगैरह कटवाया था, फिर भी उन तीनों को गिरफ्तार किया गया जेल भेज दिया। और इधर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिला प्रशासन से दुकानदारों को चंद घंटों के लिए अपने प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट देने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद भी राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। ऐसे में व्यवसायियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त से दिन भर में 4 घंटे व्यवसायियों को देने का आग्रह किया, ताकि इस 4 घंटे की छूट में वे अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर दुकानदारी कर सकें। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ग्रीन जोन में होने के कारण छोटे व्यवसायी और मझोले व्यवसायी को दुकान खोलने के परमिशन दिया जाए। 40 दिन के ब्रेकडाउन में लॉकडाउन में सब व्यापारी तबाह हो गए हैं, आर्थिक स्थिति संकट से गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं 4 घंटे के लिए उपायुक्त महोदय छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। अन्यथा बहुत बुरे संकट में लोग गुजर रहे हैं। ये उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देके हम लोग आग्रह करने आए जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। क्या नाम है आपका? मोहनलाल अग्रवाल। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया धतकीडी जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653, 6297375
1-800-81। और ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा यथासंभव लॉकडाउन जारी रखने पर जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स और राजस्व पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। आजसू पार्टी के द्वारा उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा गया, जहां उन्होंने कहा कि इस महामारी में लॉकडाउन की एक उपाय है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, उस आधार पर राज्य सरकार को भी अपना निर्णय लेना चाहिए ताकि राहत हो। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी इस लॉकडाउन में कुछ घंटे की छूट का आग्रह जिले के उपायुक्त से किया गया है। उनके अनुसार दिन में 2 से 4 घंटे का छूट व्यवसायियों को होना चाहिए ताकि व्यवसायियों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट को भी दूर किया जा सके। ये हमारी मांग है आसू पार्टी द्वारा कि जिस तरह लॉकडाउन को सीमा और बढ़ाया गया 2 हफ्ते का, हम चाह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय के लोग जो सफ़ेद कार्ड इशू है, सरकार द्वारा उसे राशन मुहैया कराया जाए, जिससे कि मध्यम वर्गीय के लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, चूँकि बहुत दिन से कंपनी बंद है, रोजी रोजगार से वंचित है और स्वाभिमान भी बचाना है, बोल भी नहीं पाते हैं कि हमें तकलीफ है। इसी से देखते हुए हम लोग आज उपायुक्त के पास आए हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमें मध्यम वर्ग के लोगों को राशन उपलब्ध करा जाए जिससे राहत मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? मानिक मल्लिक, आसू पार्टी नगर उपाध्यक्ष। और चलते चलते एक नजर तक के सुर्खियों पर। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पदस्थापना के बाद पहली बार पूर्वी सिंहभूम जिले में पुलिस पदाधिकारियों संघ की अहम बैठक। परसुड़ी पुलिस ने चोरी के 2 मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 मई को घटना को दिया गया था अंजाम। आप बने रहिए हमारे साथ।